हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी लेसन नंबर थर्टीन फिजिक्स इलेवेंथ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोलिकुलर नेचर ऑफ मैटर बिहेवियर ऑफ गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैसेस लॉ ऑफ इक्वी ऑफ एनर्जी हीट कैपेसिटी मेन फ्रीफात और प्रेसर एन आइडियल गैस ये आज के हमारे मेन को टॉपिक रहेंगे चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर के बारे में बोल हमने पढ़ा था जो कि डिस्कवर किया गया था लगभग 1661 में 1661 में डिस्कवर किया गया था बॉयल्स और जो न्यूटन थे और काफ़ी दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया गैसेस के बारे में और जो उनका मेन कंसीडर था वो क्या था कि जो गैस हैं वो छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई एक्चुअल एटॉमिक थ्योरी गोट इस्टेब्लिश मोर देन 150 फिफ्टी ईयर्स लेटर ये बाद में जो है एक्चुअल में एक्सप्लेन हुई जब गैसेज के बिहेवियर के बारे में आइडिया दिया गया कि गैस जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हुए एटम्स या मोलिक्यूल से बनी हुई हैं और ये कब पॉसिबल हुआ जब इनर एटॉमिक फोर्सेस जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और वो सॉलिड के लिए इम्पोर्टेंट है लिक्विड के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हम गैसेस के लिए उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कैनेटिक वाज डेवलप्ड इन नाइन्टीन सेंचुरी बाई मैक्सवेल्स बोल्टम्स और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा डिस्कवर की गई और इसी के द्वारा हम काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जैसे एवोगेड्रो नंबर्स हैं या हिपोतिशिज हैं स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी ऑफ गैसेज हैं डिफ्यूजन है मोलिकुलर पैरामीटर है एस्टिमेट्स हैं मोलिकुलर साइज हैं मासिज हैं तो इस चैप्टर में हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि कॉनेटिक थ्योरी किस तरह से काम करती है गैसेज के बारे में मेन यहाँ पर बात करेंगे हम गैस क्या होती है गैस इज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिकूल्स विच आर इन कॉन्टीन्यूस रैपिड मोशन जो रिचार्ड फैनिमन थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट जो फिजिस्ट थे ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स हमें पता है मैटर जो है एटम्स से मिलकर बना हुआ है टू वेरी सिग्निफिकेंट वन ह्यूमिनिटी में सफर एनी हिलेशन ड्यू टू न्यूक्लियर टस्टो ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिजास्टर जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है इफ दैट हैपन्स ऑल दी साइंटिस्ट नॉलेज वर टू बी डिस्ट्रॉयट देन फैनी मैन वुड लाइक अटोमिक हाइपोथिसिस टू कम्युनिकेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएचर इन द यूनिवर्स अटोमिक हाइपोथिस ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स लिटिल पार्टिकल दैट मूव अराउंड इन परप्यूचुअल मोशन अट्रैक्टिंग इच अदर वेन दे आर लिटल डिस्टेंस अपार्ट बट रिपेलिंग अपॉन दी बींग टू वन अनादर ये उन्होंने कहा था उसके बारे में दूसरा देखिए गैस मोलिकूल है टू इंटू टेन डेज टू पावर टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस टेन मीटर जो गैस के मोलिक्यूल का साइज है ऑर्डनली डिस्टेंस बिटवीन गैस मोलिक्यूल इज ऑर्डर ऑफ और गैस के मोलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत कम होती है और वो लगभग हमारी होती है टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइन मीटर कहने का मतलब अबाउट टेन टाइम्स एज लार्जर एज देयर साइज देयर फॉर गैस मोलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर एज टू बी मूविंग फ्रीली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हाउ एवर ड्यूरिंग मोशन वैन दे कम्स क्लोज टू इच अदर दे सफर ए चेंज इन देयर ड्यू टू इंटर मोलिकुलर सच चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मोलिकुलर ऑफ ए गैस आर ड्यू टू मोलिकुलर कोलिजन उनके बीच में जो कोलिजन चलता रहता है तो जो मैक्सवेल आए उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया जो ये थ्योरी है वो बेस है कुछ एजम्सन का उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मोलिकुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में तो मोलिकुलर नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है हमारा ये कहता है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मोलिकूल्स जितनी भी गैसें हैं वो मोलिकूल से मिलकर बनी हुई है एटम से मोलिकूल बनते हैं और मोलिकूल से क्या बन गी? हमारी गैस बन जाती है मोलिकूल जो फिर गैस आर 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 अलाइक एंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ गैसेस मोलिकूल ऑफ ए गैस वी हैव एज ए परफेक्ट इलास्टिक स्पेयर तो नंबर वन मोलिकूल विच आर मेड अप ऑफ वन आर मोर आइटम्स कंस्टिट्यूट मैटर मैटर की बात हम यहां पर कर रहे हैं सेकेंड जब सॉलिड की बात करते हैं दीज एटम एंड मोलिकल आर रिजिटली फिक्सड एंड स्पेस बिटवीन दैम इज वेरी लेसू एंड स्ट्रोम एंड दे कैन नॉट बी मूव जो कि हमने अभी बात की थी थर्ड जो है पॉइंट इसमें रहेगा इन लिक्विड एटम्स आर नॉट रिजिटली फिक्सड इन एज इन सोलिड दे कैन मूव अराउंड दीज इनेबल लिक्विड टू फ्लो इसलिए लिक्विड फ्लो करता है गैसेज की जब बात करेंगे इन गैसिज एटम आज फ्रीली टू मूव विदाउट क्लाइडिंग लार्ज डिस्टेंस दैट इफ गैसिज आर नॉट इन क्लोज इन एंड इन क्लोज एसिल दे वुड डिसअपियर एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए मिल्कुल कैन ट्रेवल विदाउट क्लाइडिंग इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लास्ट में द मीन फ्रीपाथ इन गैसिज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्स्टोम इन सोलिड एंड लिक्विड द क्लोजनेस मेक्स द इंटरअटोमिक फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स हैज ए लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन एंड शॉर्ट रेंज रिपल्सन दैट अट्रैक्ट when दे आर एट ए फ्यू angstrom, बट रिपेल when दे आर क्लोजर जब वो निजदीक आते हैं तो ये बात होती है इन गैसेज इंटरअटमिक फोर्सेज कैन बी नेगलेक्टेड गैसेज के बारे में बात करें क्योंकि गैसेज जो है फैल जाती हैं ठीक है ना अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेज के बारे में बिहेवियर ऑफ गैसेज क्या कहते हैं हमारी

दिस इज़ मेनली बिकॉज इन गैसेज मोलिक्यूल्स आर फार फ्राम ईच अदर क्योंकि गैसों के जो मोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सोलिड और गैसेज के अंदर जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है वो नेगेलिजिबल होता है एक्सेप्ट वेन टू मोलिक्यूल्स कोलाइड। गैसेज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मच अबो दैट एट विच दे लिक्विफाई Approximately satisfy the simple relation between their pressure, temperature and volume यानी कि पी विजिकल टू के टी का जो फार्मूला हमने लिया था अब क्लासीफिकेशन हमारा जो गैसेज का है वो हम दो तरह से करते हैं एक तो करते हैं आइडियल गैसेज और दूसरा होती है नॉन आइडियल गैसेज या जिसको हम रियल गैस बोलते हैं आइडियल गैस और रियल गैस दो तरह की गैसेज का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अब आइडियल गैस और बी इनमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा द बिहेवियर ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इट इज़ द स्टडी ऑफ ए गैस मोलिकूल्स एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल फॉलोइंग आर द फाइव पॉसिलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की जो अजम्सन है हमारी वो क्या रहेंगी पाँच मेन है उसमें काफ़ी हैं वैसे तो सबसे पहले नंबर एक गैसेज इज ए कंपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोलिकूल्स दैट आर आरली इन रैंडम मोमेंट गैसी जो है मोलिक्यूल से बनी है और जिसके जो मोलिकूल हैं वो मोमेंट में होते हैं रैंडमली दूसरा वॉल्यूम ऑफ द मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड द इंटर मोलिकुलर इंट्रैक्शन आर आल्सो नेग्लिजिबल फोर्थ पॉइंट द कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज ऑलवेज इलास्टिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मोलिकूल इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है क्लियर है अब जो फैक्टर हैं जिनके ऊपर गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है वो हम डिस्कस में करेंगे चर्चा में लेंगे सबसे पहला तो हमारा टेम्परेचर है ठीक है दूसरा क्या है वॉल्यूम तीसरा प्रेशर और तीसरा क्वांटिटी ये चार पॉइंट हैं जो किसी भी गैस की बिहेवियर को दर्शाते हैं क्लियर पॉइंट टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर और क्वांटिटी कितनी उसकी क्वांटिटी ली गई है अबो मेंशन फैक्टर आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर यून एज फॉलो और किस तरह से हम इसको लेंगे नंबर एक ऐज द टेम्परेचर इंक्रीजिस द वॉल्यूम ऑफ़ द गैस आल्सो इंक्रीज ट्यू टू एन एक्सपेंशन ऑफ गैस मोलिकूल तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हो जाता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल गर्म करने से फैलते हैं सेकेंड सेकेंड क्या है एज द टेम्परेचर डिक्रीजिज द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो डिक्रीजिज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस मोलिक्यूल तब उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए वो क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजिज द प्रेशर ऑफ द गैस आल्सो इंक्रीजिज नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज द टेम्परेचर इंक्रीजिज द प्रेशर ऑफ द गैस आल्सो इंक्रीजिज टू टू एक्सपेंशन ऑफ द गैस मोलिकुल और एज द टेम्परेचर डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस ऑल्सो डिक्रीजेज टू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस मोलिकूल ठीक है फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्या कहते हैं हमारे फॉर कन्वर्टिंग गैस आइदर इंटू सोलिड या लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द गैस मस्ट बी वेरी लो और प्रेशर ऑफ द गैस मस्ट बी वेरी हाई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली क्या कहता है यदि हमें गैस को कन्वर्ट करना है सोलिड या लिक्विड में तो टेम्परेचर मस्ट बी वेरी लो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द प्रेशर ऑफ द गैस मस्ट बी वेरी हाई ये कंडीशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको दूसरा एज द क्वांटिटी डिक्रीजिज द प्रेशर विल आल्सो डिक्रीजिज एंड विद इंक्रीज इन क्वान्टिटी द प्रेशर आल्सो इनक्रीजिज सेवेंथ और एट पॉइंट फॉर प्रेशर टू डिक्रीज वॉल्यूम एंड क्वान्टिटी ऑफ द गैस शुड बी लेस फॉर प्रेशर टू इंक्रीज वॉल्यूम एंड क्वान्टिटी ऑफ द गैस शुड बी मोर ठीक है अब इनको हमें जब डिस्कशन में लेना है तो हमारे पास जो है पांच ला है जो हम ऑलरेडी जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इनके बारे में जो बोल्ज ला है चार्लेज ला है और गेल सेक्स ला है वेड्रो लाज है आइडियल गैस ला है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ही रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने इसको पहले आपको क्लियर कर चुके हैं इस लेसन को तो थोड़ा सा रिविजन के लिए भी इसको ले लेते हैं इन लाज के बारे में तो पहला है हमारे पास बोझला ठीक है ना पहला हमारे पास क्या है बोझला बोजला कहते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में ध्यान रखिए वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ ए गैस मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इसको वॉइस वर्षा भी हम कर सकते हैं ये क्या कहते हैं बोझला कहते हैं यानी कि पी वी इज इकल टू कॉन्स्टेंट यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर इसकी तो पी वी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम सी लगाते हैं कांस्टेंट यानी कि पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू इजिकल टू पी थ्री वी थ्री टू कॉन्स्टेंट जितने भी हमारे उसके अंदर सारे के सारे रहेंगे वो क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट रहेंगे क्लियर पॉइंट ये बोल जरा कहता है नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम देखें तो प्रेशर इसका मतलब जो ग्राफ रहेगा इस तरह से रहेगा देखिए ध्यान से प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से रहता है क्लियर पॉइंट अब बात करते हैं चार लीजिला अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो हम क्या लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस कैप्ड कॉन्स्टेंट इट्स प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम आप करते हैं जिला के बारे में जिला स्टेटेड दैट वेन प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट जिला में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता हैं वॉल्यूम ऑफ ग्यून मासक्टली प्रोपोर्शनल टू इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ठीक है ग्राफ उसमें किस तरह से रहेगा ग्राफ देख लीजिए इसमें जो है ग्राफ इस तरह से दिखा देगा टेम्परेचर और वॉल्यूम के वर्षीज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है ठीक है ना गे क्या कहता है द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस डायरेक्टली विद द विध्सोलूट टेम्परेचर ऑफ द गैस यानी कि पी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू वेर टी वन क्या इनिशियल टेम्परेचर है पी वन इनिशियल प्रेशर है और टी टू फाइनल टेम्परेचर और पी टू फाइनल प्रेशर ग्राफ इसमें इस तरह रहेगा प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इनक्रीजेस एवेगेड्रोला क्या कहते हैं वेन द given एंड टेम्परेचर ऑफ द the नंबर ऑफ मोल्स एंड द volume ऑफ द गैस आर इन डायरेक्ट रिलेशन शिप वेयर यदि हम बात करते हैं इसकी एविगेड्रोला की द्वारा एक बार इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए एविगेड्रोला क्या कहते हैं when the pressure and temperature of the given gas are constant then the number of moles and the volume of gas are in direct relation ship यानी कि हमारे पास इसमें क्या रहेगा PV वी इज इक्वल टू हमारे पास यदि पी गेट्रोल लॉ में हम बात करें तो पी क्या होता है हमारे पास वन बाई थ्री एम वन एन वन डिवाइड बाई वी ठीक है और इनटू में वी वन का, का स्केयर ये होता है हमारे पास जहां पर क्या तो है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स के इज द प्रोपोशल कांस्टेंट। आइडियल गैस ला क्या कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेसर एंड वॉल्यूम

वेयर पी क्या है प्रेशर ऑफ द गैस वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एन इज़ दी नंबर ऑफ मोल्स और आर क्या है यूनिवर्सल गैस स्टोन जिसकी वैल्यू हमारी होती है एट पॉइंट थ्री वन फोर फाइव चूल पर मोल पर कैलविन टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस एन एवगैड्रो नंबर और जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू वन इंटू टेन पर ट्वेंटी थ्री अब बात करेंगे प्रेसर एन आइडियल गैस के बारे में किसी भी आइडियल गैस के ऊपर प्रेसर क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास प्रेसर एन आइडियल गैस <coughs> तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कंसीडर कोई गैस हमारे पास इनक्लोज है ये जैसे ये क्यूब दिया गया है, किसी भी क्यूब में बंद है जिसकी साइड क्यूबॉइड है मतलब टेक द एक्सी टू द दैनल टू द साइड्स ऑफ द क्यूब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ए मॉलिक्यूल विद वोस्टी डी गैस में जैसे वी यू डब्लू ये वेलोस्टी दिखाई गई है हमारे पास इमेजिन एन आइडियल गैस कंटेंड इन ए क्यूबिकल कंटेनर लेट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब बी ओरिजिन ओ एंड लेट एक्स वाई जेड एक्सलग दिखाया गया जैसे फिगर आप देख रहे हैं ठीक है मोलिकूल ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन दे कॉन्टीन्यूअसली कोलाइड अगेंस्ट वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यूरिंग ईच कोलिजन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू वॉल ऑफ द कंटेनर क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो मोमेंटम बनता है और मोमेंटम मान लो उसका जो बन रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर प्रेशर एक्सर्टेड बाई द गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ द मोलिक्यूल अगेंस्ट वॉल ऑफ द कंटेनर डू टू दिस कंटिन्यूस कोलिजन वाल एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूस फोर्स विच इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू दाल पर सेकेंड द फोर्स एक्सपीरियंसड पर यूनिट एरिया ऑफ दाल्स ऑफ द कंटेनर डेट माइंड द प्रेशर एक्सलेटेड बाई द गैस अब हम कंसिडर कर लेते हैं के कंटेनर ऑफ साइड कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस मूविंग विद वेलोसिटी क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मान लो c1, c2, c3 और cn एनोस्टी से मूव कर रहे हैं जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं ठीक है तो ये वेलोस्टी हमारी रहेगी यहां पर मोलिकूल विदोस्टी वेलोसिटी C1 विल एंड डब्लू वन अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टली इसी प्रकार जो सी टू होगा उसकी वलोसिटी रहेगी यू टू वी टू और डब्लू टू ठीक है यू टू वी टू और डब्लू टू सेकेंड मोलिक्यूल की रहेगी सोन लेट ए मोलिक्यूल पी ए सोन इन फिगर हैविंग दलोसटी सी कोलाइड अंगेज दाल मार्कर ओ ई ए डी प्रपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओ ए डी देख लीजिए ये हमारे पास बनता है ओ ई ए डी मतलब पहला फेस लेके चल रहा है ये, ये वाला इस फेस की बात करते हैं पहले ओ ई ए डी क्लियर है अब मान लेते हैं यू वी आर ऑर्थोगनल एक दूसरे के साथ ऑर्थोगनल है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम किस तरह से लेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में तो अलोंग एक्स एक्सिस में रहेगा यू वन का स्केयर वी वन का स्केयर डब्लू वन का स्केयर फिर सेकेंड वेलोसिटी के लिए यू टू का स्केयर वी टू का स्केयर डब्लू टू का स्केयर फिर ऐसे ही सी थ्री के लिए और ऐसे ही सी एन के लिए ये लास्ट में आ जाएगा सी एन के लिए ये इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं इसको आप ध्यान से रखिए याद कीजिए only x component of the velocity of the molecule is relevant for a wall. Hence, momentum of the molecules before collision is m यू आपने momentum वाली थोड़े पड़ी होगी ना तो momentum क्या होता है हमारे पास m भी होता है तो before collision हम क्या मान लेते, है? ले लेते हैं एम यू वन लेते हैं वेर एम इज द मास ऑफ द मोलिक्यूल सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक द मोलिक्यूल विल रिबाउंड विदोसिटी यू वन इन द अपोजिट डायरेक्शन हैंस मोमेंटम मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजिन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा उसका यानी कि माइनस एम यू वन हो जाएगा ठीक है एम यू वन इस तरह से लिखेंगे हम इसको तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लेते हैं फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम यदि हम घटा दें तो वो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है माइनस ये आ गया और इनिशियल क्या आ गया एम यू वन तो दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना गया माइनस टू एम यू बन गया ड्यूरिंग ईच सक्सेसिव कोलिजन ऑन फेस फर्स्ट है जो हमारा द मोलिकुल मस्ट ट्रेवल एड डिस्टेंस टू ए फ्रॉम फेस्ट जो फर्स्ट टू सेकेंड फेज रहेगा एंड बैक टू फर्स्ट ठीक है हमारे पास दो फेस हो गए ना तो यहाँ से यदि हम देखना चाहें एक फेस से दूसरे फेस की हम बात करें ये मान लो हमारा एक फेस है और ये सेकेंड फेस है या ये नीचे कोई सा फेस लगा सकते हैं तो एक फेज से दूसरे फेज में जब हम ट्रेवल करते हैं तो मान लो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितनी टू ए फ्रॉम फेज फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट टाइम टेकन क्या रहेगा डी टी टू ए डिस्टेंस और वेलोसिटी होती है टू ए डिवाइड बाय यू वन आ जाएगा ये हमारी डिस्टेंस रहेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना आया था माइनस दो एम यू आया था और टाइम कितना लिया अभी टाइम अभी हमने ये लिया था ये टाइम है हमारे पास चेंज इन टाइम है और ये चेंज इन मोमेंटम है तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना Minus MU. का माइनस एम यू एम यू वन का स्केयर आएगा हमारे पास क्या आएगा एम यू वन का स्केयर है ये क्लियर पॉइंट ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला मोशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द दोलिक ऑन द फेस ओ जो पहला फेस है उस पर हमारे पास फोर्स क्या रहेगा न्यूटन फर्स्ट ला क्या कहते हैं फर्स्ट ला फोर्स क्या रहेगा डी पी वन चेंज इन मोमेंट डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा ठीक है ना फोर्स क्या है? Ma होता है एम ए होता है फोर्स क्या होता है एम ए आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इन टू होता है हमारे पास ठीक है ना एम क्या है यहाँ पे मास एक क्या है एक्सेलेशन होता है फोर्स ही होता है तो वहीं से हम लेकर चलेंगे चेंज इन मोमेंटम में तो डी पी वन डिवाइड बाई डी टी और पी क्या होता है मोमेंटम होता है पी हमारे पास पी इक्वल टू एम वी होता है ठीक है मास इन टू वेलोसिटी तो यहाँ पी के स्थान पे क्या आ गया एम यू वन जो हमारे पास मास कितना है और वेलोसिटी क्या है दो डिवाइड बाई डी टी डी टी कहता है टू ए डिवाइड बाई वी वन एफ वन एक्स तो ये हम लेते हैं एम यू वन का स्केयर डिवाइड बाई ए हो जाएगा इसको मैथमेटिकली जब इसको सोलो करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा इसी से बन गया हमारे पास ये है, ये हो गया फर्स्ट फेज की बात करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फेस ओ ई ए डी बाई फर्स्ट गैस मोलिकूल करेगा जो अभी हमने निकाला है इनके पी वन एक्स इज इक्ल टू एफ वन एक्स डिवाइड बाई एम वन यू का स्केयर तो इसी प्रकार हम सेकेंड थर्ड और एन मोलिकूल्स का यदि हम बात करें तो जैसे ये फर्स्ट मोलिकूल का हो जाएगा इसी तरह से सेकेंड मोलिकूल का लेंगे तो यू टू का स्केयर हो जाएगा थर्ड का लेंगे यू थ्री का स्केयर हो जाएगा और एन का लेंगे तो यू एन का स्केयर हो जाएगा ये बन गया हमारे पास टोटल प्रेशर क्या होता है हमारे पास टोटल सभी को हम जोड़ देंगे तो वो टोटल प्रेशर आ जाएगा तो टोटल प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास टोटल प्रेशर P1 इनको कंबाइन करेंगे सभी को कंबाइन करने से हमारे पास लास्ट में इक्वेशन क्या बन गई ये देखिए पहला प्रेशर फिर दूसरा फिर तीसरा तो ये कॉमन आ गया m बाई ए की पावर क्यूब वेलोसिटी आ गई ये सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी ये थर्ड वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है ना अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस ठीक है तीनों को हम लेकर चलते हैं सिंस द गैस एक्साइड इज द सेम प्रेसर ओन ऑल दाल्स ऑफ द कंटेनर तो इसका मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों को हम पी के बराबर है अगर हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज का होता है टोटल काउंटिंग लेते हैं और उसके डिवाइड भी कर देते हैं ये फार्मूला हो गया एवरेज निकालने के लिए तो तीनों की फिर वैल्यू हमें वैल्यू पुट करनी है तो तीनों की वैल्यू जब पुट करते हैं तो पहला ये आ गया सेकंड ये आ गया थर्ड ये आ गया यानी कि पॉइंट हमारे बनते हैं ना, पी एक्स ये रहेगा हमारे पास पी वाई सेकेंड वाला रहेगा और पी जेड थर्ड वाला रहेगा डिवाइड बाई थ्री हमारा हो ही गया ठीक है ना? अब क्या करते हैं पी एम बाई ए की पावर थ्री एम बाई ए की पावर थ्री एम बाई ए की पावर थ्री तीनों में से कॉमन आ गया ये अंदर आ गया हमारे पास क्लियर पॉइंट अब चलते हैं ये वैल्यू हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने शुरू में ली थी कहा था ना इक्वेशन नंबर वन सी वन सी वन सी वन वाली जी ये इक्वेशन नंबर एक है हमारे पास ठीक है यहां से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फिर क्या आता है ये इक्वेशन हमारी बन गई वहां से ठीक है ऑन मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई एन तो जो ये लास्ट वाली क्वेश्चन बनती है इसको एन से मल्टीप्लाई करना है और एन से डिवाइड करना है तो यहां तो एन इधर डिवाइड हो गया ठीक है और मल्टीप्लाई किधर हो गया ये हो गया क्लियर इसके बाद p हमारे पास क्या बन गया m डिवाइड बाई थ्री वी जहाँ पे हमें एन एम क्या ले लिया मास ऑफ वन मोल ऑफ गैसेज ए की पावर थ्री वॉल्यूम ले लिया इसके स्थान पे वी ले लिया वन मोल ऑफ दी गैस वन मोल ऑफ दी गैस तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया सी रूट मीन स्केयर स्पीड बोलते हैं इसको सी वन का स्केयर एन रूट सी टू का स्केयर एंड रूट सी एन का स्केयर डिवाइड बाई एन यदि मुझे लेते हैं तो ये हमारी आ जाएगी एम बाई थ्री वी सी स्केयर ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है ठीक है ना ये इक्वेशन कब आई जब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किस इक्वेशन में इस इक्वेशन में जो p वाली इस इक्वेशन में ये वैल्यू हमें पुट करनी है तो ये फिर हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है क्लियर पॉइंट इसको बोलते हैं रूट मीन स्केयर स्पीड इफ़ रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस तो रो कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी की डेफिनेशन होती है अब रो क्या बनेगा फिर हमारे पास वन बाई थ्री रो सी स्केयर आर एम एस ठीक है तो जिसको सी हम बोलते हैं रूट मीन स्केयर वेलोसिटी विच इज डिफाइंड एज आई रूट ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो ये था हमारे पास इस लेसन का फर्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होते हैं तब तक लेते हैं इजाज़त आपसे जय हिंद